हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड वाला इवनिंग। जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। आई होप आप लोग क्लास में जुड़ चुके होंगे। चलिए जल्दी से क्लास को शुरू कर लेते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ते गाइस। गुड वाला इवनिंग सभी को। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सामी। गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से बाकी लोग भी क्लास में जुड़ जाए, हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने खुद के चैनल शिक्षायन पे, जिसका टैगलाइन है क्या, फॉलो द एक्सीलेंस। आप लोगों को पता ही है टैगलाइन इज फॉलो द एक्सीलेंस। और आप लोगों को पता है मैं यहाँ बैंक और कैट के लिए LR&DE क्लास लेता हूँ, और ये कुछ क्रेडेंशियल है मेरे बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग देख सकते हो। गुड इवनिंग प्राची। मैं भी अच्छा हूँ सामी। मैं भी अच्छा हूँ। कैसे हो प्राची, अच्छे हो आप? एंड जो लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। और आप लोगों को थंबनेल में दिख ही गया होगा कि क्लास क्या है। गुड इवनिंग अनुज। गुड इवनिंग लाल। गुड इवनिंग गाइस। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज यह क्लास अगेन हमारा पजल के ऊपर ही है। अगेन क्लास क्या, पजल के ऊपर ही है। बट नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे ब्लड रिलेशन के ऊपर। हम लोग ब्लड रिलेशन का बेसिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, एंड देन उसके बाद ब्लड रिलेशन विथ पजल देखेंगे। ये ब्लड रिलेशन इसलिए करना है कि पजल के साथ ब्लड रिलेशन करवाना है, पजल विथ ब्लड रिलेशन ये देखेंगे। ये क्लास बैक टू बैक क्लास होगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं। पहले ब्लड लेसन, देन पहले बेसिक ऑफ ब्लड लेसन, देन क्वेश्चन, देन ब्लड रिलेशन विद पजल, जो क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैं भी अच्छा हूँ। मैं भी अच्छा हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। जल्दी से बनाए थे। पहला क्वेश्चन आपको किसके ऊपर आ चुका है? जल्दी जल्दी से बना लीजिएगा, जल्दी से बनाइए। तो पहला क्वेश्चन गुड इवनिंग ऋतिका सिंह। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जल्दी बनाइए। आज ये क्लास थोड़ा सा इजी लेवल को होने वाला है, मतलब ज्यादा टफ नहीं होगा, बट क्वेश्चन अच्छे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको किसके ऊपर आ चुका है, जल्दी सॉल्व कीजिए, फिर देखते हैं क्या बनता है। गुड इवनिंग गिरिराज। गुड इवनिंग। चलेगा, जल्दी जल्दी से बना दिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिए क्वेश्चन। नेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पड़ेगा, आप क्वेश्चन बनाइए उसी के अंदर नेम आएंगे, टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देखिए अनुज। मे बी PQRST होगा, बट आई डोंट नो क्या होगा नाम। नाम आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा, सारे नाम क्वेश्चन के अंदर ही मिलने वाले हैं। JKLM भी हो सकता है, आई डोंट नो 7% कहाँ से है, अंदर ही है, क्वेश्चन के अंदर ही सब नाम मिलने वाला। देखिए क्या है, नहीं
चलेगा, जल्दी से बनाइए, जल्दी जल्दी से बना जाइए। चलिए गाइस कम ऑन, जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाइए, जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाइए। लेट्स सी पहले कौन सॉल्व करता है, लेट्स सी पहले कौन सॉल्व करता है, लेट्स सी पहले कौन सॉल्व करता है। पहला ही क्वेश्चन है गाइस, कम ऑन जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी पहले कौन सॉल्व करते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए ऋत्विका सिंह ने सबसे पहले आंसर दिया है ईडीईडी, ईएडीईडी। ओके ईएडीईडी ऋत्विका सिंह का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर बता दें, फिर हम बात कर लेंगे। जल्दी से बताइए गाइस। जल्दी जल्दी से आंसर बता दीजिए गाइस। गिरिराज का भी आंसर आ चुका है, दो लोग का आंसर आ चुका है। चलिए वेरी गुड, दो लोग का आंसर हमारे पास आ चुका है, तो चलिए ऐसा करते हैं आप सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लिया जाए गाइस। टेल मी चलिए सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ।
लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पहले फिगर बना लेंगे। यहां पर लिखा 7% अटेंड द क्लास इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंड ऑन संडे, यानी मंडे को शुरुआत होता है और संडे को क्या होता है, एंड होता है। ओके, सुश्री का भी आंसर आ गया, वेरी गुड सुश्री, बहुत अच्छे। तो हम लोग कॉलम बनाते, ये हो गया हमारा मंडे, ये हो गया हमारा ट्यूसडे, ये हो गया हमारा वेडनेसडे, ये हो गया हमारा थर्सडे, ये हो गया हमारा फ्राइडे, ये हो गया हमारा सैटरडे, और ये हो गया हमारा क्या संडे। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइड कॉलम बना लेंगे ताकि अगर कोई पॉसिबिलिटीज बने तो हम उसको अच्छे से काउंट कर सके। पॉसिबिलिटीज को काउंट करने के लिए मैं दो साइड से बना रहा हूं, ठीक है। एक में पर्सन का नाम लिखेंगे और एक में जो वो बॉ क्या कुछ बाउट के डिफरेंट आइटम जो खरीदा है उसका नाम लिखेंगे। ये कुछ ऐसे बना लिया अभी। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते, पहला इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ, देर आर 3% अटेंड द क्लास बिटवीन आर एंड द वन हु बॉट रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर आर के बीच में 3% है, आर ये हो गया 1 2 3, ये क्या हो जाएगा हमारा रेफ्रिजरेटर। पहला इंफॉर्मेशन, हमको नहीं पता कहाँ बैठाना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज दिस वन। ओके, नंदाल का भी आंसर आया, वेरी गुड। नाउ लिखा ओनली 2% अटेंड द सेमिनार आफ्टर द वन हु बॉट जींस, यानी कि जींस किसी भी सूरत में किस दिन जाएगा, फ्राइडे को ही जाएगा, दिस इज द जींस, यानी कि जींस इसमें भी फ्राइडे को ही जाएगा एंड दिस इज द जींस दिस वीक। अब देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, आर अटेंड द क्लास बिफोर द वन हु बॉट रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के पहले ही आर आने वाला है, यानी आर कहीं ऊपर जाएगा रेफ्रिजरेटर के तुलना में। तब देखिए तो आर के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, क्या आर मंडे को रख सकते हैं, क्या आर जैसे ही मंडे को रखेंगे 1 2 3 जींस के जगह पर रेफ्रिजरेटर रखना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। नहीं, आर मंडे को नहीं रख सकते हैं, आर ट्यूजडे को रख सकते हैं, रख सकते हैं 1 2 3, ये क्या हो जाएगा हमारा रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, ठीक है। फिर आर हमारा वेनेसडे को रख सकते हैं, तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा हमारा रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, यानी दिस इज बिकम व्हाट, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तीन केस बन रहा था जिसमें से एक केस मंडे को आर जाता नहीं, यानी आर इज कैन नॉट बी पॉसिबल ऑन मंडे, यानी आर या तो ट्यूजडे या तो वेडनेसडे को जाएगा, दिस इज फिक्स। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ओनली 1% अटेंड द क्लास बिटवीन एन एंड द वन हु बॉट टॉप। एन और टॉप के बीच में एक ही पर्सन है, यानी कि टॉप, तो एक गैप छोड़े कौन बैठेगा, एन बैठेगा, ऐसे कुछ। फिर लिखा हुआ है द वन हु बॉट टी शर्ट अटेंड द क्लास इमिडिएटली बिफोर द वन हु बॉट टॉप। टॉप के जस्ट पहले टी शर्ट आएगा, टी शर्ट कुछ ऐसे आएगा, यहां पे कौन आएगा, टॉप कुछ इस तरीके से ऐसे बैठने वाला है हमारा। फिर क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू डज नॉट बॉट टॉप, डब्ल्यू के बारे में बोला कि डब्ल्यू जो है टॉप नहीं खरीदा है, यानी क्रॉस कर दिया हमने। फिर लिखा हुआ है द वन हु बॉट बैग, क्या बैग अटेन द क्लास इमिडिएटली बिफोर आर, आर के जस्ट पहले कौन आएगा, बैग आएगा, यानी आर यहाँ है तो इस वाले केस में दिस वन बिकेम व्हाट, बैग, आर यहाँ है दिस वन बिकेम व्हाट, बैग, ये हमारा फिक्स हो गया। फिर लिखा एज मेनी पर्सन अटेन द क्लास बिफोर डब्ल्यू, एज मेनी पर्सन अटेन द क्लास बिफोर डब्ल्यू एज आफ्टर एन, यानी एन के बाद जितना होगा उतना ही क्या होगा, डब्ल्यू के पहले होगा, या तो फिर डब्ल्यू यहाँ हो जाए एन यहाँ हो जाए, ऐसे काउंट कर लीजिए, इधर कितना पर्सन हो जाए, ऐसे कुछ। अब दोनों में से कोई केस हम बैठाएंगे एन और डब्ल्यू के लिए। इस वाले केस में देखिएगा, क्योंकि उनको पता है कि टॉप और टी शर्ट एक साथ बैठने वाला है, इस वाले केस में, केस नंबर टू, अगर ये केस टू है और ये केस वन है तो हमको पता है कि टॉप और टी शर्ट एक ही साथ बैठने वाला है, तो टॉप और टी शर्ट के लिए एक ही जगह बचेगा, विच इज आर बिकेम द टी शर्ट, आर बिकेम द टी शर्ट एंड दिस वन बिकेम द टॉप, क्योंकि यही एक जगह बच रहा है। इस वाले केस में दो केस बन रहा है, या तो ये दोनों हो सकता है या तो ये दोनों हो सकता है, यहाँ पे दो केस बन रहा है टी शर्ट और टॉप के लिए। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, जी अटेंड द क्लास इमिडिएटली आफ्टर द वन हु बॉट टीवी, टीवी जो खरीदेगा उसके जस्ट बाद कौन आया हमारा, जी अटेंड, या कुछ इस तरीके से। अब एक चीज और, क्योंकि टॉप हम लोग ऑलरेडी बैठा चुके, तो हमारे पास एन का दो जगह बच रहा है, एन या तो यहां बैठ सकता है, एन या तो यहां बैठ सकता है सेकेंड वाले केस में। उस वाले केस में अभी तक हमको आइडिया नहीं है कहाँ पे किसको बैठा है, ठीक है, बट इस वाले केस में जो टॉप और एन के बीच में एक ही बैठना था, टॉप यहाँ पे हमारा बैठा हुआ ऑलरेडी, इसके नीचे में एन इस जगह पे हो सकता है, या तो फिर एन एक गैप छोड़ ऊपर हो सकता है। जरा एक चीज और ध्यान देने वाला बात है कि
अगर एन ऊपर होगा डब्ल्यू ऑब्वियसली बट नीचे होगा, अगर एन नीचे हुआ डब्ल्यू ऊपर होगा, यानी एन और डब्ल्यू यही बैठने वाला है, दिस इज द फिक्स पोजीशन ऑफ एन एंड डब्ल्यू। ठीक है, एन एंड डब्ल्यू पोजीशन, ये दोनों में से कोई एक होगा, यानी कि हम यहाँ फिक्स कर देते हैं, दिस इज फिक्स एन स्लैश डब्ल्यू, एन स्लैश डब्ल्यू, दिस इज द पोजिशन ऑफ एन एंड डब्ल्यू, दिस इज फिक्स। अब आगे क्या लिखा हुआ था, अब देखिए ये वाला इंफॉर्मेशन, टीवी के जस्ट नीचे जी, टीवी के जस्ट नीचे जी, तो टीवी हम यहाँ रखेंगे इस जगह पे, तो जी यहाँ पे बैठेगा नहीं, टीवी ऑब्वियसली बात है यही बैठेगा, दिस इज टीवी एंड ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज फिक्स, अभी तक ये चल रहा है। इस वाले केस में अभी तक हम कुछ फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, समझिए ध्यान रखिएगा, इस वाले केस में अभी तक हम कुछ फिक्स नहीं कर पाए, बट एन एंड डब्ल्यू का पोजिशन वो देखेंगे क्या कहाँ बैठाना है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एन एंड जी डू नॉट अटेंड द क्लास कंजिक्यूटिवली, एन और जी जो है एक साथ क्लास अटेंड नहीं किया है, दैट मींस यहाँ पे जो एन और डब्ल्यू लिखा है यहाँ पे एन नहीं हो सकता है क्योंकि एन जी एक साथ नहीं होगा, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज कंफर्म कौन, एन फिक्स हो गया हमारा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, के अटेंड द क्लास इमिडिएटली आफ्टर एल, एल के जस्ट बाद कौन आएगा हमारा, के आएगा कुछ इस तरीके से, यानी के और एल एक साथ जाएगा, तो के और एल एक साथ जाने के लिए एक ही जगह बच रहा है विच इज एल एंड दिस वन इज के, ये लिखा हुआ था के अटेंड द क्लास इमिडिएटली आफ्टर एल, दिस इज फिक्स। आगे क्या लिखा हुआ, डब्ल्यू डज नॉट बॉट सू, यानी एक सू है ठीक है, डब्ल्यू सू ऐसे भी नहीं खरीदा है। फिर लिखा हुआ है क्या, पी पी फॉर पैरट इज वन ऑफ द पर्सन, यानी कि पी के लिए एक ही जगह बच रहा है विच इज दिस वन, और ये क्या खरीदेगा जी, सू खरीदेगा, ये तो हमारा फिक्स हो गया, दिस इज फिक्स। जब ये बन गया दैट मीन्स ये केस नॉट पॉसिबल, इस केस को यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं, दिस इज द ओनली केस पॉसिबल। आप चाहे तो इसको फिक्स करने का कोशिश कर सकते थे, क्या फिक्स करने का कोशिश कर सकते थे, तो आपके पास ऑप्शन दो था, टी शर्ट और टॉप को बैठाने का, आप इसको टी शर्ट मान लेते हैं पहले बार में, ये टी शर्ट और ये टॉप मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये टॉप होता तो एन यहाँ जाता हमारा, एन यहाँ जाता या फिर एन कहाँ जाता, एक दो टॉप सबसे ऊपर जाता, एन के लिए दो जगह बचते यहाँ, अगर ये टॉप होता तो। अब क्योंकि अगर एन यहाँ जाता और डब्ल्यू यहाँ जाता, और एन यहाँ जाता तो डब्ल्यू यहाँ जाता, यही दो केस बन रहा था एन और डब्ल्यू के, ध्यान दीजिएगा। हम किसी एक केस को लेके चलते हैं फिर बात करेंगे, पहला बार में ऊपर वाले केस को मान लेते हैं, एन और डब्ल्यू ऊपर वाले केस में, ठीक है, एन और डब्ल्यू यहाँ है, एन एन यहाँ है, और इस वाले केस में तो ये कंफर्म हो कौन हो गया, डब्ल्यू हो गया, ये वाला केस लेके चलते हैं हम लोग, दूसरा केस एन को यहाँ मान के बनाएंगे बाद। अगर हम ऐसे लेते हैं एन और डब्ल्यू को, हमने ऐसे फिक्स कर दिया, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, टीवी के जस्ट नीचे कौन था, जी होता, दिस इज कंफर्म टीवी, ये कंफर्म कौन था, जी होता, उसके हिसाब से बात करें तो हमारे पास बचता क्या, तो यहाँ पे हो जाता हमारा कौन, एल और के, क्योंकि बोला था कि एल और के एक साथ बैठेगा, हमने फिक्स किया हुआ है, तो ये कंफर्म क्या होता हमारा, सू होता, जबकि बोला था क्या कि डब्ल्यू डज नॉट बॉट सू, यानी दिस वन इज केस इज रॉन्ग, ये केस क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। सेम उसी तरीके से आप सारे पॉसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, आपको हर पॉसिबिलिटीज में ये वाला केस क्या हो जाएगा, रॉन्ग ही आएगा। ठीक है, आप सारे पॉसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, हर केस में ये रॉन्ग ही आएगा, दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। इसके रिगार्डिंग आंसर करेंगे तो जैसा कि कुछ लोगों ने आंसर दिया है, सेम आंसर आने वाला है, यानी आंसर क्या आएगा जी, जो कि हम लोगों ने आंसर दे रखा है ऑलरेडी, पहला आंसर हो जाएगा हमारा ई, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस, हाउ मेनी पर्सन अटेंड द क्लास आफ्टर द वन हु बॉट शूज, तो सूज के बाद देखिए तो कितने पर्सन है जी, तो कि सूज के बाद एक दो तीन चार पांच छह है, छह ऑप्शन में है क्या, छह ऑप्शन में नहीं है, समझ रहे बात। सेकेंड ऑप्शन आप लोग का आंसर क्या आया था, ए आया था, दिस वन इज करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड का आंसर क्या आया था आप लोग का, डी आया था, यानी कि डी बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ का जो आंसर आया था आप लोगों का क्या आया था जी, फोर का आंसर ई आया था, मार्क कर दिए इज द करेक्ट आंसर। एंड देन फाइव का जो आंसर आया आप लोग का वो आया अगेन डी, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, इज इट क्लियर गाइस, आगे बढ़े हम लोग, शैल वी मूव अहेड, यस और नो, जल्दी से बताइए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और लगाते दिमाग थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को बनाइए, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, इस क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाइए थोड़ा सा।
लेट्स सी कौन पहले सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को। चलेगा, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन के ऊपर। चलिए गाइस, चलिए 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 जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए गाइस, चलिए 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 जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दीजिए। चलिए 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 दिमाग लगा दीजिए जल्दी से।
क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दिमाग का खिड़की खोलिए आप। लगाइए दिमाग का खिड़की खोलिए, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी से दिमाग खिड़की खोलिएगा, जल्दी जल्दी से। ओके, ऋत्विका सिंह का आंसर आ गया। सबसे पहले ऋत्विका सिंह का आंसर आया है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे ऋत्विका सिंह। सबसे पहले ऋत्विका सिंह का आंसर आ गया गाइस, बाकी लोग भी जल्दी 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 बता दें। चलिए एवरीवन, जल्दी 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 जल्दी। ओके,
बाकी लोग क्या हुआ? सिर्फ प्रतीका सिंह का आंसर आया, बाकी लोग का आंसर अभी तक नहीं आया मुझे। डिस्कस किया जाए क्या? डिस्कस किया जाए गाइस, यस और नो जल्दी से बताइए। डिस्कस किया जाए और यू नीड टाइम, जल्दी से बता दीजिए मुझे। हेलो मेघा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो वहां मेघा। टेल मी गाइस, टेल मी, जल्दी जल्दी बताइए। डिस्कस किया जाए, यस और नो गाइस, कम ऑन टेल मी। कोई बात नहीं मेगा, कोई बात सॉल्व नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं। ऋत्विका सिंह ने सॉल्व किया, ऋत्विका सिंह बताएंगी कैसे सॉल्व किया उन्होंने। चलिए लेट्स डिस्कस देन। हमारे पास लिखा हुआ है सेवन फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग वेयर बॉट बाय सेवन डिफरेंट पीपुल, यहाँ नाम लिखा गया है सबका, बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। ठीक है जी। After buying their flat, they spent some amount on the renovation of the flat. लेकिन फ्लैट खरीदने के बाद वो लोग कुछ अमाउंट इन्वेस्ट क्या किया है, स्पेंड किया है किस चीज के ऊपर? फ्लैट को खरीदने के ऊपर। ठीक है, मतलब फ्लैट को रिनोवेशन के ऊपर, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट स्पेंड बाई ईच पर्सन इज डिफरेंट। जो अमाउंट स्पेंड किया गया हर एक पर्सन के द्वारा द्वारा, ये क्या है, सब क्या डिफरेंट अमाउंट खर्च किया गया है। अब कौन कितना खर्च किया गया उसके बारे में देखेंगे, लिखा हुआ कुछ ना कहीं ना कहीं। तो पहले फ्लोर की बात करें, फ्लोर दिया गया, हम फ्लोर फिक्स कर लेते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया हमारा क्या, फ्लोर। दिस फ्लोर हमने दो कॉलम बनाया, एक पर्सन के लिए और एक उसका अमाउंट। ये हमारा कुछ डायग्राम बन रहा है। अब आइए क्या लिखा हुआ, द अमाउंट स्पेंड बाय ईच पर्सन इज डिफरेंट। ठीक है जी। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर वन नंबर्ड एज द फर्स्ट फ्लोर एंड द फ्लोर अबव इट सेकंड फ्लोर एंड सो ऑन द टिल, क्या लिखा हुआ है, सेवेंथ फ्लोर तक। ठीक है जी। बी स्पेंड 10,000 लेस देन द पर्सन, देखिए इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, सिंपल इंफॉर्मेशन है बट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बी स्पेंड 10,000 लेस देन द पर्सन हु लिव ऑन सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर से यानी कि बी इज इक्वल टू क्या होगा जी, सेकेंड फ्लोर माइनस कितना, 10,000। बी इतना खर्च किया है बट 6,000 मोर देन ए, लेकिन ए से कितना खर्च किया, 6,000 ज्यादा खर्च किया, यानी ए बी इज इक्वल टू कितना, ए प्लस कितना, 6,000। ए प्लस कितना, 6,000। ये हमारे पास केस मिल चुका है। ठीक है, हमारे पास ये केस हमारे पास। फिर क्या लिखा हुआ है, ई लिव जस्ट अबव फ्लोर, अबव क्या, फ्लोर ऑफ सी। ई जो होगा वो जस्ट अबव है ना सी से, ऐसे कुछ बैठेगा। ई लिव जस्ट अ फ्लोर अबव सी हु स्पेंट कितना जी, इतना परसेंट मोर देन द पर्सन हु इज ऑन द टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पे जो भी होगा उससे ये कितना अधिक खर्च किए, इतना। इतना करने का मतलब 1/3, 1/3 करने का मतलब क्या, टॉप फ्लोर पे क्या हो, सेवेंथ फ्लोर का 4/3 कर सकते हैं। अगर कोई 1/3 अधिक है, अगर कोई 1/3 अधिक है, कितना, 1/3 अधिक है, इसका मतलब 4/3 होगा। हे वरा जी, ऐसा ही करते हैं हम लोग ना, यस सर, मुझे से बताइए। चलिए, वेरी गुड।
हमने क्या कर दिया, 4/3। हाँ चलिए, फिर लिखा हुआ है क्या, द पर्सन ऑन टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर का मतलब सेकंड फ्लोर था। द अमाउंट स्पेंड बाय द पर्सन ऑन द सिक्स फ्लोर इज 60%। सिक्स फ्लोर की बात कर रहा है, सिक्स फ्लोर वाला जो अमाउंट स्पेंड, 60% अमाउंट स्पेंड बाय डी, यानी कि डी का 60% स्पेंड करता है, 60/100 स्पेंड करता है। ऑल्सो ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंसिस इज 26,000। यानी हम ऐसे कर सकते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं कि डी एक्सपेंड करता है कितना, डी का जो एक्सपेंडिचर वो एक्स है, 100x मान लेते हैं, एक्स नहीं 100x मान लेते हैं, तो सिक्स प्रो वाला कितना एक्सपेक्ट करेगा जी, 60x करेगा। कितना करेगा, 60x करेगा। हमने डी का एक्सपेंडिचर कितना माना, 100x माना, तो सिक्स प्रो वाला कितना करेगा, 60x करेगा। और इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 26,000। यानी और ये कितना का डिफरेंस दिया हुआ है जी, तो ये और कुछ नहीं दिया गया है, ये दिया गया है 40x इज इक्वल टू 26,000, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 4 6 24 और 4 5 20 650। दैट मींस d कितना खर्च कर रहा है, तो d हमारा फिक्स हो गया कि d जो खर्च कर रहा है वो कर रहा है 65,000। तो हमारा सिक्स प्रो वाला कितना खर्च करेगा जी, तो 60x यानी 60 से गुना कर देंगे तो 600 गुना कर दे सिंपल। तो पहले 2 0 2 0 फिक्स करते हैं, 600 गुना 6 5 30 के 0, 6 36 3 39, 6 फ्लोर कितना करेगा, 39 करेगा, 2/5 ऑफ डी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कर लीजिए, ये समझ में आया, 6 फ्लोर 9,000 हो गया, डी हो गया 65,000। इतना सब क्लियर हो गया, यस और नो? हाँ जी 39 के, वेरी गुड ऋतिका सिंह, बहुत अच्छे। अब आए क्या लिखा हुआ है देखिएगा ध्यान से, ए लिव 4 फ्लोर अबव डी, ए जो होगा डी से 4 फ्लोर अबव है, यानी 1 2 3 ऐसे कुछ होगा, यानी 5% का ग्रुप है। ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, यानी कि ए जब भी होगा किस पे होगा जी, ऑड नंबर फ्लोर पे होगा। ऑड नंबर फ्लोर पे ए कहाँ जा सकता है, ए या तो 5 पे जा सकता है, ए या तो 7 पे जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में 3 फ्लोर का गैप लेना भी हमको, ए या तो 5 पे जा सकता है, ए या तो फिर कहाँ पे जा सकता है, 7 पे जा सकता है, यही दो केस हमारे पास बनता है। अब आगे क्या लिखा हुआ, बी लिव 3 फ्लोर अबव जी, बी जो है हमारा जी से 3 फ्लोर अबव रहता है, 1 2 ये क्या हुआ ऐसा, कुछ जी ऐसे रहेगा। फिर लिखा हुआ जी हु लिव नेक्स्ट 2 फ्लोर सी, मतलब ई के जस्ट नीचे रहता है, नेक्स्ट टू ई, और ई के बारे में क्या लिखा हुआ था जी, कि ई और सी एक साथ रहता है, इसके जस्ट नीचे कौन रहेगा, सी रहेगा, कुछ ऐसे। ये देखिए ग्रुप कितने लोग का बना, 1 2 3 4 5 6 लोग ग्रुप बना, ये 6 लोग ग्रुप दो तरीके से अरेंज हो सकता है, क्या अरेंज हो सकता है, एक या तो बी टॉप पे होगा और 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ बैठेगा, यानी 1 2 गैप छोड़ के यहाँ पे कोई जी बैठा होगा, यहाँ पे ई बैठेगा, यहाँ पे सी बैठेगा। दूसरा केस क्या बनता है, बी यहाँ बैठता और 1 2 यहाँ जी बैठता, यहाँ ई बैठता, यहाँ सी बैठता, ऐसे कुछ बैठता। देखेंगे ध्यान से, अगर हम ऐसे बैठा रहे तो ए और डी वाले केस की बात करते, ए ऑब्वियस सी बात है इस जगह पे ए हो नहीं सकता है, यहाँ पे ए हो नहीं सकता, कौन वाला केस में, इस वाले केस की बात करें, ए यहाँ पे नहीं सकता क्योंकि ए के नीचे तीन तीन प्लेस होकर डी बैठना चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ पे डी होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, ए यहाँ नॉट पॉसिबल, समझ रहे बात। अब ए अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो देखिएगा 1 2 3 यहाँ पे डी होना चाहिए, विच अगेन नॉट पॉसिबल, यानी कि बी वाला ये वाला केस गलत हो गया, बी यही बैठेगा। अगर बी यहाँ बैठेगा तो ए कन्फर्म यही बैठेगा, 2 3 गैप होकर डी यहाँ बैठेगा, यानी 1% और बच गया, विच इज एफ यहाँ बैठ गया हमारा, दिस इज कन्फर्म, कौन हो गया जी हमारा, दिस इज फिक्स। अब जब ये फिक्स हो गया तो हमको पता है 6 फ्लोर पर 39 के है, 6 फ्लोर पर 39 के, ये क्या हो गया हमारा 39 के, डी कितना है 65 के, डी हमारा कितना है 65 के, ये हमने लिख दिया, हमको बस ये इन्फॉर्मेशन मालूम है। अब आगे क्या करना है, अब क्वेश्चन बढ़ेगा कि आगे कैसे किया जाए, आगे क्या करना नहीं करना है, इसके ऊपर बात। आगे क्या लिखा है, द पर्सन लिविंग ऑन फोर्थ फ्लोर की बात कर रहे हैं, फ्लोर फ्लोर करोगे जी, जी के बारे में बात कर, जी स्पेंड 1/8 लेस देन द पर्सन लिविंग ऑन द फ्लोर जस्ट अबव हिम, यानी ये क्या कर रहा है, ए की तुलना में, ए की तुलना में कितना एक्सपेंड कर रहा है जी, ए की तुलना में स्पेंड कर रहा है 7/8, 1/8 कम है, 1/8 कम है तो क्या होगा, 7/8 होगा, 1/8 कम है ना हमारा, 1/8 कर दिया, 12.5% का मतलब 1/8, 1/8 कम है, दैट मीन 7/8 होगा, ठीक है। एंड जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर लिखा हुआ लेस देन द पर्सन लिविंग ऑन द फ्लोर जस्ट अबव हिम, जस्ट अबव हिम कौन है हमारा, ए, ऐसे कुछ निकल रहा जी इज इक्वल। फिर
लिखा हुआ है क्या, बट साथ में ये भी लिखा है, बट इतना लेस देन द पर्सन लिविंग जस्ट बिलो हिम, यानी कि जी जो है ई की तुलना में, ई से हम 31,000 31,000 घटाएंगे तब जाके हमारा जी का वैल्यू आएगा। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन, अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे आप लोग मुझे बताइए। चलिए ऋतिका सिंह आप ही बताइए अब आगे कैसे प्रोसीड करें। नाउ टेल मी गाइस, इतना दूर तक कर दिया मैंने, अब आगे क्या, आगे कैसे निकाला जाए वैल्यू, एनीवन? ऋतिका सिंह बताएंगे, ऋतिका सिंह ने आंसर निकाला था, बाकी हम इरेज कर डी और सी वाला इरेज करते, ऐसा कोई मतलब नहीं हमारे पास। चलिए ऋतिका बताइए आगे क्या निकाला जाए। किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? देखिए तो कहीं भी कहीं कन्वर्जन कुछ दिख रहा है आपको, कन्वर्जन कहीं दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली यहाँ सी इज कर लिख सकते हैं, बी का 3/4, 4/3, 4/3 बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये देखिए इस बी को हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं, इस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा ये कंडीशन, बी इज इक्वल टू क्या आप लोग ऐसे लिख सकते थे, सी इंटू में 3 या बाई में 4, ऐसे लिख सकते बी इज इक्वल टू, यहाँ से कन्वर्ट कर ले 3/4। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारा, इस इक्वेशन को देखिए, सेकेंड फ्लोर पे कौन है हमारा, सी ही है ना, यानी हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते थे ना, सी इंटू में 3/4, 3/4 सी, 3/4 सी, समझ रहे बात। और इसमें से सी में से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर होगा, 10,000 के बराबर होगा, है कि नहीं? सेकेंड फ्लोर पर सी है हमारा, बी है, बी का वैल्यू हमने लिख दिया 3/4 सी, 3/4 सी, और इन दोनों का डिफरेंस 10,000, सी से यहाँ, यहाँ से सी का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ सी का वैल्यू क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4, 1 कितना हो जाएगा जी, एलसीएम ले लीजिए 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सी माइनस में 3 सी इज इक्वल टू कितना, 40,000। यानी हम बात कर रहे हैं सिंपल, ये 4 है, 4 क्रॉस कर दिया हमने, 40,000, यानी सी का जो वैल्यू आ गया हमारा कितना आ गया जी, 40,000 आ गया। सी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 40K आ गया। देखिए ध्यान से, जैसे ही सी का वैल्यू 40K आ गया तो आपको मालूम है बी का वैल्यू कितना होगा जी, 30K हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा हमारा, 30K, बी 30K, समझ में आ रहा है? हाँ बी बिल्कुल बिल्कुल 40K, सी इज इक्वल टू, तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 30K हो गया। जैसे ही बी इज इक्वल टू 30K हो गया, ए का जो वैल्यू है यानी बी जो वैल्यू है, ए से कितना कम है जी, ए से 6,000 ज्यादा है ना, यानी ए कितना हो जाएगा 24K, ए कितना हो जाएगा 24K, हमने ए भी निकाल लिया, ठीक है। सी का वैल्यू हमको मालूम चल गया। अब जी और ए, देखिए जी की बात कर रहे हैं तो ए का कितना, 7/8 है, 7/8 है, यानी 8 * 3 = 24, जी हो जाएगा कितना, 21K, जी इज इक्वल टू 21K। यहाँ पर देखिए जी इज इक्वल टू ए इनटू में 7/8 है ना हमारे पास, 7 * 8 है ना हमारे पास, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, ए का वैल्यू 24K है, यानी लिखेंगे 24 * 7/8, 8 * 3 = 24, 21K। अब ई की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जी का वैल्यू को मालूम चला कितना, 21K, और यहाँ पे 31K, यानी ई क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये 31K, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 52K, यानी ई कितना हो जाएगा हमारा, 52K, बस हो गया जस्टिफाइड, यही तो करना था। हाँ जी बिल्कुल, अब बाकी लोग समझ में आया, सिर्फ छोटा सा कन्वर्जन था जो नहीं मिल रहा था आप लोगों को, ये वाला केस, ये जो छोटा सा कन्वर्जन था ये आप लोगों को नहीं मिल रहा था, ये कन्वर्जन मिल जाता तो आपको आसानी बन, आसानी से बन जाता, यही हमने क्या किया, कन्वर्जन कर दिया। समझ गए बात, सभी को समझ में आ गया, यस और नो जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए यस और नो। टेल मी गाइस, अनुज क्लियर हुआ, नंदलाल क्लियर हुआ, प्राची सुश्री क्लियर हुआ सभी को?
चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन ये क्या लिख रहा है, हु लिव ऑन द थ्री फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच एफ लिव, एफ से 3 फ्लोर नीचे, एफ कहाँ है, 1 2 यानी ई है हमारा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, यो 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 डैंड्रफ क्लियर, ओके डैंड्रफ क्लियर हो गया, जब भी डैंड्रफ था, चलिए ठीक है अच्छी बात है। व्हाट वाज द कॉम्बिनेशन अमाउंट स्पेंड ऑन रिनोवेशन बाय द पर्सन हु लिविंग ऑन द टॉप फ्लोर एंड द बॉटम फ्लोर, टॉप फ्लोर पे 30K, बॉटम फ्लोर पे 65K, दोनों को जोड़ेगा 95K, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग बॉट 6th फ्लोर, अच्छा बॉट द 6th फ्लोर, अच्छा 6th फ्लोर पे कौन है, ये देख लीजिए एफ है हमारा, एफ है यानी एफ खरीदा है, 6th फ्लोर को कौन खरीदा है, जी हमारा एफ खरीद लिया है, दिस वाज द केस। व्हाट वाज द अमाउंट स्पेंड बाय द पर्सन ऑन द रिनोवेशन हु लिव ऑन 3rd फ्लोर, 3rd फ्लोर पे जो रहता है वो कितना खर्च किया है, जी ई यानी 52K खर्च किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। हु लिव ऑन द टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर पे कौन रहता है, टॉप फ्लोर पे हमारा बी रहता है, दैट इज ऑप्शन नंबर, कौन है, नहीं कोई, नन ऑफ दिस इज द आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया है, एक क्वेश्चन और है आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है गाइस, तो एक बार ट्राई करना चाहे ट्राई कर लीजिए 5 मिनट के अंदर, अदरवाइज ये होमवर्क के तौर पर आ जाएगा आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, 5 मिनट है आपके पास, सॉल्व दिस क्वेश्चन ट्राई वंस देन डिस्कस करना, और डिस्कस करेंगे मैं आंसर बता दूंगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिएगा जल्दी जल्दी से सॉल्व कर जाए इस क्वेश्चन को, सिटिंग अरेंजमेंट डबल ये है हमारे पास, अच्छा आपका माउस काम नहीं कर रहा है, क्या हुआ माउस को, भूख लग गया होगा, उसको बोलिए खाने के लिए, खाना दीजिए माउस को, बैटरी इलेक्ट्रिसिटी खिलाइए उसको, भर पेट खुद काम करना शुरू करेगा। डाल दीजिए गरम पानी में उसको, डाल दीजिए उसके बाद कहेगा आई एम डेड, सुकून भरी नींद की प्राप्ति हो जाएगी उसको। सीधा स्वर्ग लोक में जाएगा, सीधा स्वर्ग लोक में, लेकिन आपके लिए गाना गाएगा, दोस्त दोस्त ना रहा, चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाइए इस क्वेश्चन को, जितना जल्दी सॉल्व कर सकते कर जाइए। नंदलाल आप लोगों के पास एक पुराना ग्रुप भी है ना टाइम वाला, जिसमें आप लोगों सब लोग व्हाट्सएप का ग्रुप,
जिसमें सारे पुराने बच्चे हैं। नंदलाल आप क्लास में? नहीं, जिसमें मैं नहीं हूं। व्हाट्सएप ग्रुप भी है ना आप लोग का टाइम का? व्हाट्सएप ग्रुप भी है ना आप लोग का? कोई भी ऐसा ग्रुप जो टाइम का हो जिसमें मैं नहीं हूं, तो अगर आप उसमें मुझे ऐड कर देंगे तो बेटर हो जाएगा। अगर आप ऐड कर दो मुझे, ताकि बाकी लोग को भी मैं बोलूँ क्लास करने के लिए। ओके, कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें मैं ऐड नहीं हूँ? क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं आप लोग कितने पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस बार सभी के कैट अच्छे से निकले एटलीस्ट। इस बार मेरे सब्जेक्ट में, डेट मीन्स एल आर और डी आई में, तो एटलीस्ट आप लोग 100% स्कोर कर ही लो। देन अनुज मुझे ऐड कर दीजिए उस ग्रुप में। अगर टाइम गाजियाबाद का ही है तो उसमें ऐड कर दीजिए। ये मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग टाइम से जुड़े हुए, या फिर कोई भी लोग कैट के हैं जिनको एलआर और डीआई में कुछ तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं चाह रहा था कि बैचेस सेपरेट करो। यानी आप लोगों को कैट वाले के लिए स्पेशली 45 मिनट से 1 घंटा क्लास दो, और बैंक वाले के लिए भी, क्योंकि सेट्स वगैरह बैंक वालों को लगवाना है मुझे। ये कलर एसबीआई क्लर्क आने वाला है बहुत जल्दी, तो मैं चाह रहा हूँ उसके लिए एक प्रॉपर एक बैच लेके आऊँ। एसबीआई क्लर्क के लिए प्रॉपर एक बैच बनाओ, जिसमें स्टार्टिंग से पूरा रीजनिंग कवर करते हुए मॉक टेस्ट के साथ करवाओ, सेम आप लोग के लिए भी। ओके नंदलाल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि जब मेहनत करना ही है। ओके सर, ओके ठीक कोई बात नहीं नंदलाल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसमें सारे लोग एडेड हैं। कोई ग्रुप छोड़ा नहीं ना है? क्लास नहीं आता, कोई बात नहीं, ग्रुप कोई छोड़ा नहीं ना है? बन गई है क्वेश्चन गाइस। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लास खोलने दीजिए, मैं क्लास में आई आके बात कर लूंगा सबसे।
क्या लगता है गाइस, बनेगा? किसी ने आंसर अभी तक नहीं दिया है। ओके बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल अनुज, बिल्कुल होमवर्क में दे दूंगा, बट अभी जिन लोग बना चुके उनको बना ले, ताकि मैं आंसर एटलीस्ट बता दूं कि आंसर क्या है। नंदलाल मैं क्या बोलूं, गवर्नमेंट का ही ऊपर है ये। गवर्नमेंट मतलब मैं क्या बोलूं, मैं खुद परेशान हूं। आप सोचिए कि हम जैसे जो लोग फैकल्टी प्राइवेट टीचर है, उन लोगों का हालत बहुत खराब हो रखा है। नो वर्क नो पेमेंट, समझ रहे हैं बात? नो वर्क नो सैलरी, आदमी खाएगा कहाँ, कमाएगा क्या, क्या करेगा? सोच रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। चलिए गाइस, जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाइए, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर जाइए। तो आप लोग सोचते हैं बहुत है आप लोग। ओके जी, गिरिराज ने आंसर दे दिया है, गिरिराज का आंसर आ चुका है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। गिरिराज आपका जो आंसर आया वो है डी सी ई ए सी, डी सी ई ए सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम सही आंसर आया है डी, देन आपने बताया सी, देन बताया डी सी, एंड देन ई बताया आपने ई। एकदम ई एकदम सही है, एंड देन उसके बाद आपने बताया ए, एकदम सही है, एंड देन आपने बताया सी, करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस। जिनको डाउट है मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। जब आप टी ऊपर वाले में याद रखिएगा, इस साइड से दो छोड़ के, आई थिंक यहाँ पे वैकेंसी है, राइट से दो छोड़ के एंड नीचे वाले में एक छोड़ के यहाँ पे वैकेंसी है। ऐसे कुछ अरेंजमेंट बनेगा, जिनका नहीं बनाया वो इस अरेंजमेंट को तैयार से बनाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी ऋत्विका सिंह, बिल्कुल सही। तो आंसर आप लोगों को मालूम चले गया, आंसर क्या हो गया हमारा, डी सी ई ए सी, दिस इज आवर आंसर, डी सी ई ए सी। चलिए तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और एज अ होमवर्क आप लोग के लिए पास है, बनाइए जाके घर पे। एंड अभी के लिए आप लोगों को पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग अभी तक नहीं किए हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन के साथ।
कल हम लोग ब्लर्ड लेसन देखने वाले हैं गाइस, तो कल का क्लास मिस ना करें, ठीक है? क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग पजल जो लेके आए, मैं इसलिए ब्लड रिलेशन कल करवा रहा हूँ क्योंकि पजल जो मैं करवाने वाला हूँ कुछ ब्लड रिलेशन विथ पजल भी करवाना है मुझे। तो मैं सोच रहा था कि पहले ब्लड रिलेशन आप लोग करवा दूँ, तब तो ब्लड रिलेशन विथ पजल करवाऊंगा। इसलिए पहले ब्लड रिलेशन कर लेते हैं, देन ब्लड रिलेशन पजल करेंगे, ठीक है? एंड क्लास का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे। एंड जितने भी ग्रुप में सब जगह शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हम लोग के साथ जुड़ सके। ठीक है गाइस, एंड गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।